दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने SCO से पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट किए जा रहे आतंकी संगठन लश्करे तायबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक्शन प्लान लाने की अपील की है। उन्होंने इसे SCO के फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने की मांग उठाई। इससे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया, जिससे उनकी फंडिंग रोकी जा सके। कनाडा के एक आवासीय स्कूल से 771 बच्चों के शव मिले हैं। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जांचकर्ताओं को इस आवासीय स्कूल के परिसर से 751 अचिन्हित कब्रें मिली हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनमें भी बच्चों के शव दफनाए गए हैं। बता दें कि पिछले महीने भी स्कूल परिसर में 215 बच्चों के शव दफन पाए गए थे। कब्रों पर कोई नाम नहीं है, इसलिए ये समझना मुश्किल है कि यहाँ हुआ क्या था। कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक जॉन मैकफी ने स्पेन की जेल में आत्महत्या कर ली। मैकफी ने स्पेन की कोर्ट द्वारा उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाए जाने के बाद रात को बार्सिलोना की एक जेल की सेल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि पिछले साल जॉन मैकफी ने 15 अक्टूबर 2020 को एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, मेरे पास दोस्त हैं, खाना अच्छा है, सब ठीक है। ये जान लें, अगर मैं खुद को जेफरी की तरह लटका दूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। अमेरिकी शहर मायामी में बिल्डिंग ढहने से एक व्यक्ति की मौत और 8 लोगों के बुरी तरह जख्मी होने की खबर सामने आई है। भारी संख्या में ऑपरेशन में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है और फ्लोरिडा की टीम भी मौके पर पहुंच बिल्डिंग के ढहने के कारणों की जांच कर रही है। फ्लोरिडा में इस ऑपरेशन के चलते कई रूटों पर यातायात को रोक दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 45 हजार के पार पहुंच गए हैं। अब तक 39,09,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान जा चुकी है, तो वहीं 16 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हरा कर ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट से परेशान हो रहे हैं। इन दिनों अमेरिका, ब्रिटेन आदि में डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने डेल्टा वेरिएंट का हवाला देते हुए लोगों से जल्द टीका लगवाने के लिए कहा है। थाईलैंड के संविधान में संशोधन और मौजूदा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी बैंकॉक में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के फैलते मामलों को रोकने के लिए भी नाकाम रहे प्रधानमंत्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया।